तीर्थाकर महावीर स्वामी की 7 फुट उत्तुंग पदासन सप्त धातु की प्रतिमा तैयार होकर बटियागढ़ पहुंची। जी हां, आज में तीर्थाकर महावीर स्वामी की 7 फुट उत्तुंग पदासन सप्त धातु की प्रतिमा तैयार होकर बटियागढ़ में प्रवेश की। जैन समाज के लोगों द्वारा भव्य आगवानी कर लाभ अर्जित किया। नैनागिरी जी के विशाल 14 एकड़ के परिसर में इसकी स्थापना की जाएगी। जैन धर्म स्थल नैनागिरी में स्थापित की जाएगी 7 फुट ऊंची भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर का जीवन उनके जन्म के 2500 साल भी उनके लाखों अनुयायियों के साथ ही पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है। पंचशील सिद्धांत के प्रवर्तक और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने अपना पूरा जीवन त्याग तपस्या और अहिंसा में लगा दिया। जैन समुदाय पूरे भक्ति भाव और आदर के साथ महावीर के नाम का स्मरण करता है। उन्होंने संसार को न केवल मुक्ति का संदेश दिया बल्कि लोगों को जीवन जीने की कला भी सिखाई। भगवान महावीर ने आत्मिक और शाश्वत सुख के लिए अहिंसा के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। उनका कहना था कि इस पूरे संसार में सुख हो, विशाल प्रतिमा की भव्य मंगल आगवानी तीर्थकर महावीर स्वामी की 7 फुट उत्तुंग पदासन सप्त धातु की प्रतिमा तैयार होकर बटियागढ़ से होकर निकली। जैन धर्म प्रेमियों ने भव्यता से आगवानी कर लाभ अर्जित किया। जानकारी के अनुसार इस प्रतिमा को 1008 सिद्ध क्षेत्र रेशंदी गिरी नैनागिरी में 14 एकड़ के विशाल परिसर में 24 के पीछे प्रस्तावित देशना स्थली में विराजित किया जाना है। कुछ ही समय में इसी आकार की भगवान नेमिनाथ एवं पार्श्वनाथ की प्रतिमा भी तैयार होकर नगर प्रवेश करेंगी। मूर्ति के साथ जो संचालक है उन्होंने बताया कि यह फुटेरा हटा होते हुए मलहरा से नैनागिरी पहुंचेगी। से होते हुए बटियागढ़ आई है तो बटियागढ़ सकल दिगंबर जैन समाज नदी के पास तक पहुंची और सभी ने बड़े भाव विभोर होकर श्री जी के साथ अगवानी करते हुए चले आए और यहाँ पर उन्होंने अच्छे ढंग से दर्शन भी किए। अब यहाँ के बाद यह प्रतिमा जी फुटेरा भी जाएगी और ये वास्तव में स्थापित तो सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी जी पर होना है और ऐसी एक प्रतिमा नहीं, इसी प्रकार की 3 प्रतिमा रहेंगी, नैमिनाथ, पारसनाथ और ये तो महावीर की है और एक मूर्ति अभी तैयार और हो चुकी है, तीसरी होने वाली अभी कहाँ से पूर्व से बनकर तैयार होकर आई हुई है और अभी यहाँ से फुटेरा हटा तक जाएगी। बटियागढ़ समाज ने श्री जी का भक्त आगवानी की है और सभी समाज के लोग एकत्रित होकर के श्री जी का आगवानी की है। सभी लोगों ने आरती की है और उसके बाद प्रतिमा जी यहाँ से फुटेरा जाएंगी, फुटेरा से हटा जाएंगी। सभी जन समाज के अनुयायियों का धन्यवाद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।